देखिए अभी कितने पॉइंट्स खत्म हो गए, एक तो समावेशी शिक्षा खत्म हो गई, हो गई ना, संतुष्ट है? नहीं संतुष्ट है, जो नहीं आए होंगे नहीं होंगे, है ना। दूसरा आपका पॉइंट क्या था? शिक्षण कौशल। और एक अलग जगह एक और पॉइंट था, शिक्षण कौशल का विकास तकनीकी में। तीन पॉइंट ये हो गया, पाठ योजना भी बता दी आपको, और आरंभिक पठन कौशल ये भी अलग से पॉइंट दिया था, चौथा पॉइंट था, है ना, ये भी खत्म। इसके अलावा मैंने आपको प्रभावशाली शिक्षण के भी कुछ कंटेंट थे उसको भी आपको बताया। एक नया यूनिट है आपका जो शिक्षण से रिलेटेड है, लेकिन इसको पढ़ना बहुत आवश्यक है, काफी लोग इसकी डिमांड भी करते हैं, क्योंकि यही ऐसा पोर्शन है जिसको आप रट के जाते हैं और भूल जाते हैं, क्योंकि इसमें समझ में कम आता है। और कुछ लोग हैं जिनका ये पोर्शन अच्छा होता है, उनका साइकोलॉजी जो है डाउन होता है। जैसे साइंस वाले जो होते हैं, मैथ वाले, वो बायोलॉजी में डाउन रहते हैं, बायोलॉजी वाले मैथ में डाउन होते हैं। तो ऐसा आपको पढ़ना कि आपका सब क्या रहे, एवरेज से ऊपर। तो जो आपका नया टॉपिक है क्या है? तकनीक। हम बात करेंगे तकनीकी की, तो ये दो डिवाइड में करेंगे हम एजुकेशन में। एक शिक्षा की तकनीकी, हाँ, और शिक्षा में तकनीकी, दोनों अलग चीज। क्या पहले तो हम समझेंगे तकनीकी क्या है। तकनीकी क्या है? किसी चीज को सरलता से करना, सुलभता से करना और प्रभावशाली ढंग से करना, कम व्यय कम समय, ये भी तकनीकी ही है। अगर वो चीज आपकी फिजिकल एक्टिविटी है तो उसको कौशल कहते हैं, और अगर इंस्ट्रूमेंटल है तो उसको क्या कहेंगे? तकनीकी कहेंगे। ठीक, तो तकनीकी जो है अगर हम शिक्षा में देखें तो दो प्रकार से डिवाइड करेंगे, कौन कौन सा? शिक्षा की तकनीकी और शिक्षा में तकनीकी। की तकनीकी, अगर हम शिक्षा की तकनीकी बताएं तो शिक्षा कैसे दी जाएगी, इसमें जो तकनीकी आप यूज करते हैं, जैसे विधियां क्या होंगी, प्रविधियां क्या होंगी, आपके पढ़ाने का तरीका कैसा होगा, प्रस्तुत करने का तरीका कैसा होगा, कैसे आप प्रभावशाली बना लेंगे, अगर की शब्द का हम आंसर दें कि शिक्षा की तकनीकी क्या है, तो शिक्षण के दौरान या शिक्षा देने के दौरान जितनी चीजें, जितने कीवर्ड, जितने आप हाव भाव, जितना मेथड यूज करते हैं, वो सब क्या हो जाएगा? शिक्षा की तकनीकी। दूसरा टर्म जो हमें पढ़ना है, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, वो आएगा आपका टर्म क्या? शिक्षा में तकनीकी। अर्थात शिक्षा में तकनीकी का क्या रोल है, जो तकनीकी आप यूज करते हैं वो शिक्षा में क्या रोल निभाती है, इसका अध्ययन हम कहेंगे। तो इसको कहेंगे शैक्षिक तकनीक। या शैक्षिक प्रौद्योगिकी, कई प्रकार से इसको कह सकते हैं, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। अब यहाँ क्या है, यहाँ आपकी वो चीजें जो एजुकेशन में ही नहीं थे, लेकिन ये एक्सेस है उसमें जो इंक्लूड कर रहे हैं। अब इसको अगर हम समझे कि तकनीकी शिक्षा में कैसे होती है या किस प्रकार से होती है, तो अगर हम पहले ये जानना चाहें कि शिक्षा में हम कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं जो शिक्षा को प्रभावशाली जानते बनाते हैं, तो उसके पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि तकनीकी कितने भागों में बटी हुई। फर्स्ट सेकेंड थर्ड हमेशा पढ़ते हैं, शिक्षा तकनीकी एक, शिक्षा तकनीकी दो, शिक्षा तकनीकी तीन, सुना है ना? फर्स्ट सेकेंड थर्ड, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी फर्स्ट, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी सेकेंड, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी थर्ड, सुना है कभी? अभी सुना है, बस यहां से नहीं सुना है, लेकिन ऐसे पूछ सकता है। ये आपका क्या है? कठोर। ये क्या है? मृदु। और ये क्या है? प्रणाली। आप सुना है? कठोर, मृदु और प्रणाली, जो आपकी शिक्षक शैक्षिक तकनीकी होती है उसको हम तीन भागों में डिवाइड करते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड। अगर आपसे मतलब पूछा जाए कि पहला जो भाग होता है वो किससे संबंधित है, वो कठोर जितने उपागम होंगे तकनीकी के उससे संबंधित होगा। इसे इंग्लिश में क्या कहेंगे? हार्ड वेयर। मृदु जो सेकंड आपका पोर्शन है वो मृदु आपकी तकनीकी कही जाती है, जिसको इंग्लिश में क्या कहेंगे? सॉफ्ट वेयर। और थर्ड पोर्शन जो है आपका क्या कहा जाएगा? सिस्टम। ठीक, तीन आपको भाग समझ में आए, फर्स्ट सेकंड थर्ड, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और सिस्टम। अर्थात शैक्षिक तकनीकी को जब हम
भागों में डिवाइड करेंगे अध्ययन की दृष्टि से, क्योंकि पूरा पढ़ेंगे तो क्या होगा, उसी में खिचड़ी हो जाएगा। इसीलिए जो मनोवैज्ञानिक या जो तकनीकी आपके शैक्षिक तकनीकी के प्रणेता थे, जो भी जितने लोगों ने भी उसमें योगदान दिया, उन्होंने कुल तीन भागों में बांटा, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड। फर्स्ट कठोर, सेकेंड मृदु, थर्ड प्रणाली या हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और सिस्टम। यही चीज आप उसमें भी पढ़ते हैं, कंप्यूटर में भी, लेकिन यहाँ हम किस में पढ़ रहे हैं, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी में। अब देखिए क्या होगा कठोर, क्या होगा मृदु और क्या होगी प्रणाली। तो जब हम तकनीकी में कठोर उपागम की बात करेंगे, कठोर क्या होता है, बहुत हार्ड होगा, जो तो हार्ड कैसे होगा, हम छुएंगे तब ना बताएंगे कि यह हार्ड है, अर्थात जिसको छू सकते हैं, देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, तीनों होता है। जो हमारे उपकरण होते हैं, कठोर का मतलब क्या, कठोर कैसे कहेंगे, हम कठोर हैं, आप कठोर हैं, बेंच कठोर है, जब तक इसको छुएंगे नहीं, बताइए। जब आप बेंच छुएंगे कहेंगे कठोर है, अर्थात आपने इसको टच किया तब ना आप जाने, तो वही टच करें तो क्या होगा, ये उपकरण जितने होते हैं, इंस्ट्रूमेंट जिनको आप स्पर्श कर सकते हैं, वो आपके कठोर उपागम। दूसरा मृदु उपागम क्या होगा, ऐसे एक एग्जांपल इस पे ये लिखे, व्हाइट बोर्ड, सब होगा, पहले कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए तो सब आएगा इसी में, ऑडियो विजुअल वीडियो, ऑडियो विजुअल है, ऑडियो अलग है, विजुअल अलग है, दोनों साथ में भी हैं, सारी चीजें हैं। पहले यहाँ आप जड़ तो देखिए कहाँ से पेड़ निकल रहा है, ठीक। तो आपका जो हार्डवेयर होता है, जैसे मान लीजिए एग्जांपल क्या, ये व्हाइट बोर्ड क्या है, हार्डवेयर। अब बताइए इसमें सॉफ्टवेयर क्या होगा, जैसे आप कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर जानते हैं, मोबाइल में सॉफ्टवेयर जानते हैं, इसमें सॉफ्टवेयर क्या होगा, जो आपका ये व्हाइट बोर्ड लिखा है मैंने, वही क्या है आपका सॉफ्टवेयर, तरीका नहीं, तरीका उसमें आ जाएगा। पहले डिफरेंस तो समझिए, मृदु जो सॉफ्टवेयर होता है उसके बिना आपका कार्य नहीं हो सकता, आपको उपकरण दे दिया जाए उसमें कोई वर्क ही ना हो तो वो उपकरण निरर्थक है, जैसे ये व्हाइट बोर्ड। फिर आपको ये मार्कर दिया गया जिससे आपने क्या किया, इस पे कीवर्ड लिखे, जहां आप कोडिंग करते हैं, डीकोडिंग करते हैं, विश्लेषण करते हैं, संश्लेषण करते हैं, वो आपका टर्म क्या कहा जाता है, सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर को अगर दिमाग में रखेंगे तो भी आप सॉफ्टवेयर को क्या करेंगे, समझ लेंगे, अर्थात जो हमने लिखा यहां वो क्या है, सॉफ्टवेयर। ये व्हाइट बोर्ड क्या है, हार्डवेयर, और ये क्या है, जो लिखा हुआ सॉफ्टवेयर। इतना समझ में आया। अब आया जो थर्ड इसका है, शैक्षिक तकनीकी थर्ड बोलते हैं उसको, जैसे भी पूछ सकता है तो ये चीज भी जानते रहिए, अगर शैक्षिक तकनीकी थर्ड पोर्शन अगर हम जानेंगे, थर्ड किसको कहे हैं, प्रणाली को, इसके कितने भाग होते हैं और ये क्या होता है, जो कार्यक्रम आपका चल रहा है ना, जैसे ये व्हाइट बोर्ड तो क्या है, आपका हार्डवेयर है, जो लिख गया है वो क्या है, सॉफ्टवेयर। लेकिन ये कैसे लिख गया है, अगर हम सिस्टम देखें इसका, तो वही क्या होगा आपका, थर्ड या प्रणाली उपागम। इसमें चार चीज होती है, इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट और एनवायरमेंट। कहा जाए कि प्रणाली उपागम के कितने भाग होते हैं, इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट और एनवायरमेंट, एजुकेशनल ये टेक्नोलॉजिकल एनवायरमेंट। ये चार चरण प्रणाली उपागम के होते हैं। तकनीकी क्या है, किसी चीज को सरल सुलभ बनाना और प्रभावशाली बनाने की एक युक्ति है। वो कितने भागों में बटी, तीन भागों में। पहला क्या, फर्स्ट या कठोर, जिसको आप छू सके, जैसे ये व्हाइट बोर्ड। दूसरा क्या है, मृदु, जिसको छू नहीं सकते, बस क्या कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, वो जैसे यहाँ पे जो लिखा हुआ एक संवेदना है ना, दृश्य संवेदना, ऐसा भी प्रश्न आया था आपका है ना, ध्वनि संवेदना वाला, ये क्या है, दृश्य संवेदना है, अर्थात आप इसको संवेदी अंगों से क्या कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। लेकिन क्या है, जो लिखा है इसको छू सकते हैं, रीडिंग डीसी में आ रहा है, क्या चीज, रीडिंग का, रीडिंग अभी आ रहा है प्रोसेसिंग में, वो आपका प्रोसेस है। यहाँ हमें क्या, आपको टेक्नोलॉजी दे देनी है,
वो अधिगम में भी आ जाएगा आपका, जो आप रीडिंग कह रहे हैं, जो आप पढ़ रहे हैं, ये आपके अधिगम का प्रोसेस है। यहाँ हम टेक्नोलॉजी का प्रोसेस बता रहे हैं कि जो इंस्ट्रूमेंट है उसका समग्र जो आपका कंटेंट है कैसा है। एक तो हार्डवेयर है, दूसरा सॉफ्टवेयर है, तीसरा क्या है, प्रणाली। ठीक, अर्थात व्हाइट बोर्ड हार्डवेयर, लिखा हुआ जो मटेरियल है वो क्या है, सॉफ्टवेयर। कंटेंट है, विश्लेषण है इसका, जो जितने पार्ट हैं वो क्या है आपका सॉफ्टवेयर। और तीसरा आपका जो होता है वो क्या होता है, प्रणाली। इसके कुल चार चरण होते हैं, इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट और एनवायरमेंट। इनपुट मतलब जैसे कंप्यूटर में आप ए डालते हैं तो आपको फ्लैश क्या दिखता है, ए। तो जो ए यहाँ डालते हैं वो क्या है, इनपुट, और जो फ्लैश दे रहा है आपको वो क्या है, आउटपुट। लेकिन क्या जो ए डाल रहे हैं वो ए का ए ही जा रहा है वहां और आपको दिख रहा है, ऐसा नहीं होता। वहां क्या होती है, प्रोसेसिंग। क्या, कैसे, यहाँ डाला आपने ए तो ये किस भाषा मिलेगा, जीरो या वन, बाइनरी लैंग्वेज, वो मशीनी भाषा कही जाती। फिर ये प्रोसेसिंग हुई और जब आउटपुट देगा तो आपको स्क्रीन पे देगा ए। वही प्रोसेसिंग यहाँ भी आपकी, क्या, इनपुट, प्रोसेस। ठीक, प्रोसेसिंग हुई, आपने यहाँ इनपुट किया, कुछ जो मटेरियल है वो आपने प्रक्षेपित किया, उसका प्रोसेस हुआ, अब यहाँ आपको आउटपुट मिलेगा, है ना। जो आपने यहाँ पर प्रक्षेपित किया बालकों के व्यवहार के लिए, अधिगम के लिए, वो क्या हो गया आपका, आउटपुट। और उसमें एक और कंटेंट जो जुड़ा होता है, पर्यावरणीय, जो आपका मटेरियल होता है, जैसे एनवायरमेंट कैसा है तकनीकी देने का, ये भी प्रणाली में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कैटेगरी समझ में आई, पूछा जाए कि हार्डवेयर क्या है शिक्षण तकनीकी में तो बता लेंगे ना, अब उसमें कीबोर्ड ही मत बता दीजिएगा, मॉनिटर ही मत बता दीजिएगा, वो उपकरण जिसको आप चूज करें, ब्लैक बोर्ड, व्हाइट बोर्ड, ये मार्कर पकड़ना है ना, ये क्या है, ये मार्कर आपका हार्डवेयर है, लेकिन जो लिखा गया है लिखित वो क्या है, सॉफ्टवेयर। ये आपका हार्डवेयर, लेकिन जो इस पे भी लिखा गया वो क्या है, सॉफ्टवेयर। कीवर्ड्स जो आपके होते हैं वो सॉफ्टवेयर। ठीक, और एक जो आपका जो सिस्टम होता है जिससे पूरा प्रोसेस होता है उसको कहते हैं प्रणाली उपागम। प्रणाली में क्या, इनपुट डालते हैं, प्रोसेसिंग होती है, आउटपुट मिलता है। ठीक, अब देखिए कहेंगे जो इसमें कि इनकोडिंग डिकोडिंग हो रही है, कि कोडिंग कर रही है, मैंने यही बता दिया है, इनकोडिंग डिकोडिंग किसमें होता है, मृदु में। यहाँ बस आप देखिए प्रोसेस हुआ, आपने इनपुट डाला, प्रोसेस दिखा और क्या मिला, आउटपुट मिला और एनवायरमेंट उससे जोड़ दीजिए। ये चार ही प्रोसेस ही इसके हैं, रट लीजिए इसको, इसके अलावा कोई प्रोसेस इसमें मत डालेगा। बाकी जो आप देख सकते हैं या संवेदी अंगों द्वारा छू सकते हैं वो है आपका कठोर, और उसके अलावा जो भी बचता है वो क्या है, आपका सॉफ्टवेयर। जैसे कंप्यूटर आपका है लेकिन किसी काम का नहीं है अगर उसमें सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है, ऑन ही नहीं होगा, बूट ही नहीं करेगा, है ना। तो मेन जो कीवर्ड या फंक्शनल जो वर्ड होते हैं वो क्या होते हैं, सॉफ्टवेयर। और जो प्रोसेसिंग, प्रणाली कैसे बना, कैसे आप क्रिया कर रहे हैं, वो सब किस में आ जाएगा, प्रणाली। इस दोनों को छोड़ के जितनी चीजें आपकी बचती हैं वो क्या आती हैं, वो सॉफ्टवेयर में आ जाती हैं। अब जैसे आपको अब ये जानना है कि एजुकेशनल टेक्नोलॉजी में ये क्यों आया, तो मैंने बताया कि कम समय लगे आपको सिखाने में, प्रभावशाली बने, रुचि जागृत हो, ये भी तो बात है। आप टेक्नोलॉजी यूज करेंगे, जैसे यहाँ व्याख्यान दे रहे हैं तो बच्चे धीरे धीरे बोर हो जाएंगे, आप यहाँ ओवरहेड प्रोजेक्टर लगा दिए और बच्चे क्या कर रहे हैं, देख ले रहे हैं, तो क्या करें, उसको ज्यादा उनको इंटरेस्ट आ रहा है। तो ऐसी चीजें जो आपके इंटरेस्ट को बढ़ाएं वो भी किसके अंतर्गत आएंगी, तकनीकी। जैसे ये व्हाइट बोर्ड भी आपका क्या है, एक तकनीकी हार्डवेयर। ठीक, अब हम जानेंगे कि कौन कौन से इसको भागों में बांटा गया है शिक्षण के पर्पज से, कि जो ये हार्डवेयर आपका वो कितने प्रकार का होता है। एक तो आपका हो गया दृश्य, दूसरा आपका हो गया श्रव्य, और तीसरा हो गया दृश्य शब्द। क्या है हार्डवेयर, अब यहां से मत कर दीजिएगा कि यहीं से आप दृश्य श्रव्य दृश्य शब्द जो आपने कहा अभी सारी चीजें, यहाँ क्या करेंगे, हार्डवेयर में बताएंगे, दृश्य श्रव्य और दृश्य शब्द, नाम से स्पष्ट है, जो सिर्फ देखने, जिसमें देखने वाले संवेदी अहंकार के आंखें, वो क्या है, दृश्य। जैसे ये व्हाइट बोर्ड क्या है, दृश्य। शब्द क्या होगा, जैसे रेडियो,
यहाँ क्या होगा आपका व्हाइट बोर्ड, ठीक है। क्यों एक एग्जांपल देती हूँ मैं, इसका भी कुछ रीजन कि वो एग्जांपल ही आपको याद रहे और वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। 50 एग्जांपल दे दूं, ये भी दृश्य है वो भी दृश्य है, तो आप क्या होंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे। इसलिए एक एग्जांपल से ही ज्यादातर कॉन्सेप्ट आप समझा करिए। दूसरा अगर कहें कि शब्द क्या है, तो रेडियो आपका जो है, रेडियो क्या है, शब्द है। ये क्या है, एक कठोर उपागम है कि नहीं। अब कहा जाए रेडियो में सॉफ्टवेयर क्या है, तो क्या करें, तो हार्डवेयर है ना। अब इसमें भी तो सॉफ्टवेयर होगा, प्रणाली होगी। इनपुट क्या है, अगर जनरल छोटे बच्चों को आपको समझाना है इनपुट, तो आप जब घुमाते हैं कट से और वो पैपा पैपा करना शुरू हो जाता है, तो क्या है आपका इनपुट है। चलने तक का, सिग्नल पकड़ने तक का क्या है, प्रोसेसिंग है। और आपको जब आप संतुष्ट हो जाए कि हम इसीलिए क्या करे थे, खोले थे, तो क्या हो गया, वो आपको आउटपुट दे दिया। और वही जो इस इन्वायरमेंट में कहीं बाजा बज रहा है आपको सुनाई नहीं दे रहा, तो वो क्या हो गया, इन्वायरमेंट हो गया। या सब दरवाजा बंद करके आप एफएम रेडियो सुन रहे हैं, वो क्या हो गया, वो भी इन्वायरमेंट हो गया। तो ये जो प्रोसेस हर जगह आपका क्या है, कठोर मृदु और प्रणाली। उपकरण की दृष्टि से इनको तीन कैटेगरी में मुख्यतः बांटा गया, दृश्य श्रव्य और दृश्य श्रव्य, ठीक। अब आपने देखा दृश्य क्या, जैसे ये व्हाइट बोर्ड, श्रव्य क्या हो गया, रेडियो। अब दृश्य शब्द क्या हो जाएगा, टीवी, टेलीविजन के जन्मदाता कौन है, यहां तक समझ में आया, यहां तक समझ में आया। कुछ पूछना पूछ लीजिए, तब आगे बढ़ो, पूछना पूछे। ये इंस्ट्रूमेंट है ना, इंस्ट्रूमेंट के टाइप है, उपकरण के प्रकार। तो उपकरण तो जो आप कहेंगे छू सकेंगे वही ना उपकरण है। अब ये जो लिखा हुआ तो उपकरण है नहीं, ये तो कीवर्ड है। उपकरण जो आप कहेंगे वो हार्डवेयर में आएंगे, दृश्य श्रव्य और दृश्य शब्द आप समय कर दीजिए। लेकिन यहाँ आपको समझना किसमें, हार्डवेयर में ही ना। जो आपकी टीवी है वो क्या है, हार्डवेयर है। रेडियो हार्डवेयर है, व्हाइट बोर्ड क्या है, हार्डवेयर। इसमें और कौन कौन सी चीजें आएंगे दृश्य में, चार्ट, मॉडल, जो भी चीजें आप देख के अगर उससे क्या कर रहे हैं, ज्ञान अर्जन कर रहे हैं, या आपका ज्ञान जो है वो प्रभावशाली ढंग से आप तक पहुंच रहा है, तो क्या हो जाएंगे, सारे दृश्य। और जिससे सिर्फ सुन के, जैसे मैं बोल रही हूँ उसको आप शब्द नहीं कह सकते, ये तो मेन टीचिंग प्रोसेस। लेकिन इसमें तकनीकी जब यूज करेंगे कि आप मेरी बताई बातों को अगर रिकॉर्ड कर ले, टेप रिकॉर्डर, और उसको बाद में भी सुन रहे हैं, जैसे जो श्रवण बाधित होते हैं उनके लिए युक्ति होती है, ऐसे आप बोल रहे हैं नहीं सुन पाते, काफी चीजें नहीं समझ पाते, तो ये उनके लिए उपकरण है कि जैसे टीचर बोल रहा है तो वही टेप रिकॉर्डर खुद रहे, है ना। जैसे मैंने बोला और हर चीज आपने नहीं समझी, तो वो रिकॉर्ड हो रहा है। और आप क्या करेंगे बाद में, जिसको जिसको प्रॉब्लम रहेगी कान से या नहीं सुन पा रहा है, वो टेप रिकॉर्डर से सुन के क्या करेगा, कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेगा। ऐसे एनवायरमेंट में सुनेगा जहाँ शोर नहीं है, कान के पास लगाएगा, तेज करके सुनेगा। तो हंसते क्या बात है, ये तो एक इंस्ट्रूमेंट है। तो वो भी क्या है, शब्द। वो किसी को भी हो सकता है, कभी भी, ऐसे कोई ऐसी बात नहीं, जन्म से भी होता है। जन्म के बाद अचानक कोई बीमारी हो जाती है, बहुत तेज मस्तिष्क ज्वर हो गया, उसके मैंने आपको सारे कैटेगरी बताई थी कि जन्म से पूर्व कैसे होता है, माता के द्वारा, और जन्म के समय जो वहाँ पर डॉक्टर या नर्स होते हैं उनके द्वारा कोई ऐसी एक्टिविटी कर दी, कोई नस दब गई, है ना, गिर गया बच्चा, चोट लग गई उस समय, और जन्म के बाद कभी भी एक्सीडेंटल या कोई बीमारी हो गई तो भी हो सकता है। तो उनके लिए जैसे आप यूज करते हैं, उनके लिए अच्छा, तो सामान्य के लिए तो ऑलरेडी क्या होगा, अच्छा ही होगा। हम बोले जा रहे हैं आपको नहीं सुनाई दे रहा, बहुत बड़ी क्लास है, फिर वही बात, हंसा मत क्या करे, ठीक है। तो आपका जो चीजें रहेंगी सुनने वाली, जिसमें सिर्फ क्या करें, आपके श्रवण इंद्रिय, जो श्रवण की इंद्रिय है कान, वो कार्य करे, वो कौन से आपके उपकरण हो जाएंगे, शब्द। और तीसरा आपका दृश्य शब्द, जिसमें देखे भी और सुने भी, जैसे टेलीविजन हुआ, फिल्म हुआ, मूवीज हो, फिल्म स्ट्रिप, तो ये सब आपकी क्या हो जाएंगी, दृश्य शब्द। मिटा दूं, नोट कर लिया करिए कम से कम इसकी कैटेगरी, वो चीजें तो आप कभी भी समझ सकते हैं, किताबों में सब भरा पड़ा। अब जो इसमें एक सिद्धांत आपको पढ़ना है वो है एडगर डेल का, अनुभव
शंख नाम सुना है? नहीं सुना? आपने सुना क्या? अगर पूछा जाए कि इनका जो सिद्धांत है किससे रिलेटेड है, तो आप याद रखिएगा ये किससे रिलेटेड है? शैक्षिक तकनीकी से। जब शैक्षिक तकनीकी आप पढ़ते हैं तभी क्या करते हैं आप? डेल का अनुभव शंकु भी पढ़ते हैं। आप इसमें जानते हैं कि अनुभव कैसे प्राप्त होता है और किस स्तर पर ज्यादा प्रभावशाली ढंग से प्राप्त होता है। पहला स्तर होता है आपका मौखिक। दूसरा स्तर होता है आपका दृश्य। तीसरा है आपका रेडियो या शब्द। चौथा है आपका प्रदर्शनी। पांचवा है आपका भ्रमण और इसमें पाठ प्रदर्शन। फिर आता है आपका अभिनय, ठीक। फिर कृत्रिम अनुभव और फिर लास्ट का आपका वास्तविक अनुभव। कितने स्टेप हुए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 के बीच में भी 2-3 हैं। जो मुख्य है आप वो देखिए। भ्रमण की बात क्या है? भ्रमण के बाद है पाठ प्रदर्शन, डिमोन्स्ट्रेशन इसको बोलते हैं। यहाँ प्रदर्शनी जो है एग्जीबिशन है और यहाँ प्रदर्शन जो है वो क्या है? डिमोन्स्ट्रेशन। दोनों अलग चीज है। मैं अभी बताती हूँ कि अनुभव कैसे प्राप्त होता है आपका, ये इन मुख्य नियमों पे आधारित होता है। लिख लीजिए इसको। वास्तविक अनुभव, कृत्रिम अनुभव, उसके ऊपर अभिनय, इतना डीपली मत देखिए, बस आपको मुझे यहाँ वो बताना है सिद्धांत है ना। उनका ये मानना था कि मौखिक जो होता है प्रारंभिक आपका है ना, इससे सबसे निम्नतम स्तर का अनुभव प्राप्त होता है। इससे ज्यादा अनुभव किससे प्राप्त होगा? दृश्य से। उससे ज्यादा अनुभव किससे प्राप्त होगा? रेडियो या शब्द से। और उससे ज्यादा एग्जीबिशन, जो आपके एग्जीबिशन लगते हैं ना, सामान रख दें और आप जाएं घूमें, कहते हैं ना इस चीज की एग्जीबिशन लगी हुई, उससे ज्यादा किससे लगेगा? एग्जीबिशन से। अब एग्जीबिशन में गया, आप हर चीज रखी हुई देखे, लेकिन उससे ज्यादा अनुभव किससे प्राप्त होगा आपका? भ्रमण से। क्योंकि आप खुद जाएंगे और स्वयं अपने कंटेंट का चुनाव करेंगे कि हमें क्या अनुभव लेना है क्या नहीं है ना। फिर उसके बाद क्या होता है? प्रदर्शन, पाठ प्रदर्शन भी कहते हैं इसको, डिमोन्स्ट्रेशन। आप अपनी इंद्रियों द्वारा जितना ज्ञान का आहरण करते हैं, ग्रहण करते हैं, मतलब सारी इंद्रियां जिसमें एक्टिव हो, ऐसा मेथड। उसमें क्या होता है? भ्रमण से भी ज्यादा आपका अनुभव प्राप्त करते हैं। उसके बाद अब प्राप्त तो किए, जब उसको आपको रोल प्ले करना होता है, अभिनय करना होता है, जैसे नाटक हुआ है ना, तो ये सब चीजें आप करेंगे तो क्या होगा आपका? अभिनय स्तर का। इससे भी ज्यादा अच्छा क्या होगा आपका? अभिनय। फिर उसके अच्छा अगर कोई जैसे कृत्रिम अनुभव, आपको कोई मॉडल या बना दिया गया मॉडल कि देखिए कैसे वर्षा का पानी संचय हो रहा है, एक मॉडल घर उसके ऊपर एक आपने बना दिया जिसमें क्या होगा, पानी गिर रहा है फिर नीचे ला रहे पाइप, तो जो वेस्ट मटेरियल साफ करने के बाद जो वेस्ट पानी उसको कृषि में लगा रहे हैं और जो अच्छा पानी उसको पीने योग्य यूज कर रहे हैं, तो आपने पूरा एक मॉडल बनाया ना, तो ये कृत्रिम आपने अनुभव वहां क्रिएट किया कि नहीं? लेकिन वो जो देखेगा बच्चा वो ज्यादा अनुभव प्राप्त करेगा कि हाँ ऐसा ही होता है। अब उतनी ज्वालामुखी है, अब वहां ज्वालामुखी के पास लेके तो जा नहीं सकते, तो आप क्या करेंगे, यहाँ मॉडल बना देंगे, ऐसा मॉडल जिसमें से क्या कर रहा है, लावा फूट रहा है। बनाते हैं बच्चे, ये बड़ी बात नहीं है। साइंस की जब एग्जीबिशन लगती है तो आप देखा करिए, या आपकी ज्योग्राफी में जो एग्जीबिशन इतनी रहती है, मतलब ऐसी चीजें जो मॉडल आप देखेंगे वो कौन सा होगा? कृत्रिम अनुभव। फिर जब आप वास्तविक अनुभव लेते हैं वो सबसे ज्यादा आपका स्थायी होता है। जैसे आपको कोई एक समस्या दी गई, आपने स्वयं उसका समाधान किया, जैसे आपका प्रोजेक्ट मेथड। ये नहीं कि कैफे पे गए और सारा छाप के चले आए। यहाँ आपको सामूहिक रूप से एक समस्या दी जाती है,
और आप क्या करते हैं, उस समस्या का स्वयं निदान करते हैं। तो जो आपके प्रत्यक्ष अनुभव होते हैं, इसको प्रत्यक्ष भी बोलते हैं। कुल उनके 11 चरण हैं, लेकिन अगर हम सारांश देखें तो कुल जो मुख्यतः अगर हम देखें स्टेप वाइज, तो हम जान जाएंगे कि कौन से आपके अनुभव सबसे स्थायी होते हैं। जो वास्तविक या प्रत्यक्ष अनुभव होता है एकदम सामने, जिस पे आप क्या, आप पे जो बीती हो, कहते हैं ना मुझ पे बीती मैं ही जानूं, तो वो चीज आपको जो अनुभव होता है वो सबसे ज्यादा स्थायी अधिगम करता है। अब इसी के अनुसार आपको उपकरण भी चूज करना है। जो मौखिक है वो सबसे निम्नतम है, जैसे व्याख्यान। फिर उससे अच्छा क्या होगा, दृश्य, जैसे ब्लैक बोर्ड, रेडियो, शब्द। अब यहाँ पे आपका रेडियो यूज कर लो। फिर प्रदर्शनी, एग्जीबिशन, यहाँ सबसे लगा दें आप, देखिए। फिर भ्रमण, आपको ले जाए वहां दिखाने जहाँ पे वो चीज है, जैसे यहाँ पे सारे इमारतों के लगा दिए और आपको दिखा दिया कि हमारे जौनपुर का क्या है, किला। लेकिन फिर जब आप वहाँ भ्रमण करने जाएंगे तो स्वयं क्या करेंगे, देखेंगे, ऑब्जर्वेशन करेंगे, तो आपका ज्ञान और स्थायी हो जाएगा। अब ऑब्जर्वेशन किए, जब आप उसका डेमोन्स्ट्रेशन किया कि नहीं, आपको एक एक चीज का अनुभव अपनी इंद्रियों से लेना है, एकदम बाध्य कर दिया ऐसा कि आप खुद आप बाउंड होके क्या करें, वो अनुभव लेने लगे, तो वो क्या हो गया, प्रदर्शन। इसे क्या कहेंगे, डेमोन्स्ट्रेशन। ठीक, फिर उससे अच्छा बोला जाए कि उसी चीज को जो आपने अनुभव वहां किया कि ऐसे ऐसे इसके डेवलपमेंट हुआ, आइए यहाँ पे ड्रामा करिए कि कैसे उसका डेवलपमेंट हुआ, कैसे वहाँ पे उन्होंने कार्य किया, क्या उसका प्रोसेस था, क्या हिस्ट्री थी। तो जब आप खुद किसी का रोल प्ले करते, जैसे आपको गांधी जी का दे दिया जाए, आप कितने भी बेकार इंसान हो, लेकिन जब गांधी जी का रोल प्ले करते तो थोड़ा बहुत कहेंगे ना कि हाँ इंसान था, कैसा इंसान था, यह धोती और डंडी और चश्मा, ये हम लोग सब सोचते हैं, लेकिन उनकी जो सरलता सहजता उसको क्या कहते हैं, हम उसका अनुभव करने लगते हैं। फिर उससे ज्यादा हम एक मॉडल बना देते हैं, अगर कृत्रिम एकदम जैसा का तैसा, जैसे ज्वालामुखी का मॉडल बना दिया, तो बच्चे को वहां हर जगह नहीं ले जा सकते, या बहुत बड़े स्तर पे है तो बच्चे को नहीं समझ, लेकिन यहाँ छोटा सा मॉडल बनाएंगे और सेम वही प्रोसेसेस करें तो वो आपका ज्यादा अनुभव देता है। और उससे भी अच्छा क्या होता है, आपका प्रत्यक्ष और वास्तविक अनुभव। इसी के आधार पर आपको शिक्षा में तकनीकी का यूज करना है, जिस स्तर का करेंगे उतना प्रभावशाली आपका शिक्षण होगा।